हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी इको की, जो अभी के टाइम में इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग वैन में से एक है और इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। फ्रेंड्स, जी हाँ, आपने सही सुना, इको 2022 जो अभी चल रहा है, इसका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है इको के गाड़ी में। और ये एक सबसे सस्ती 7 सीटर और 5 सीटर वेरिएंट में भी आती है, जो सबसे सस्ती 7 सीटर मानी जाती है, जो आपके फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार बन सकती है। तो आज उसी के बारे में हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इसके बारे में रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि गाड़ी कैसी है और क्या है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं, ये मारुति सुजुकी इको है और ये बेसिकली 5 सीटर वेरिएंट है और ये एसी वेरिएंट में, इसमें एसी विदाउट एसी दोनों वेरिएंट आती है और इसमें 5 सीटर और 7 सीटर ये दोनों भी आती है और इसमें पेट्रोल भी आती है और इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन रहता है। तो जैसा आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल मेरे सामने खड़ी है, ये मारुति सुजुकी इको पेट्रोल वाली वर्जन है जो एसी में भी है और ये 5 सीटर वेरिएंट है। तो फ्रेंड्स, आज इसी को मैं आपको दिखाऊंगा रिव्यू करके कि कुछ कैसे दिखती है। तो आपने कुछ लुक देख ही लिया हो, काफी लंबी सी बॉडी है, चौड़ी सी भी है और लुक वाइज तो एक आपको पुराना कहीं ना कहीं आपको जो इसका पहले वाले वेरिएंट था जो वर्सा के नाम से आती थी उसी से मिलता जुलता है, कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके इसको बाद उसको इको का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप आगे का बॉनेट देख रहे हैं, बॉनेट के स्पेस काफ़ी कम है और आप देख सकते हैं इसमें हेलोजन, नॉर्मल जो हेलोजन लाइट आती है हेलोजन ही है, बट इसका थोड़ा बहुत ही बढ़िया है, नाइट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और गाड़ी देखने में आपको हल्का सा ऊंची लगेगी, आपको नॉर्मल, आपको थोड़ा सा कुछ SUV टाइप का फील आपको ज़रूर कराएगी। और नॉर्मल जो आगे का जो बम्पर रहता है वो ब्लैक कलर का ही देते हैं ये जनरली। फ्रेंड्स, देखिए ये जो गाड़ियाँ रहती हैं ये मोस्टली कॉमर्शियल में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो कॉमर्शियल व्हीकल में क्या होता है कि आए दिन थोड़ा बहुत डेंट वगैरह लगते रहता है, तो अगर इसको बॉडी कलर पेंट करके अगर आपको देंगे तो आप इसको जब भी थोड़ा बहुत स्क्रैच लगेगा तो आपको स्क्रैच भी विजिबल आएगा और आपको बार बार रिपेंट भी कराना पड़ेगा, जो खर्च ज़्यादा होगा। तो बेसिकली सब गाड़ी ज़्यादातर कॉमर्शियल यूज़ में भी आती है, तो इसके वजह से ही जो बम्पर होते हैं आगे का, फ्रंट का या फिर रेयर का कह लो, वो ब्लैक में ही आती है। तो खैर, ब्लैक में ही बहुत काफ़ी अच्छा लग रही है, आप जैसे देख सकते हैं। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम ये एसेसरीज का पार्ट, ये लग के नहीं आती है और वैसे इसमें ज़रूरत भी खास नहीं पड़ती है, इसका थ्रो ही काफ़ी अच्छा। तो मैं चलिए अंदर चल के मैं आप चारों तरफ से लुक ले लिया, बट इसका गेट वैसे ही पुराना जो इको, हमारे जो इको आते थी या फिर जो आप ओमनी भी कह सकते उस टाइप का, इसका लॉक सेंटर लॉकिंग इसमें नहीं आती है, आपको मैनुअली लॉक करना होगा। कुछ इस टाइप का इसका डोर ओपनिंग है, काफ़ी वाइड है, आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ गया, यहाँ पे 3 लोग आराम से, बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं मेरा पैर ऐसा है, मैं आराम से बैठा हूँ। यहाँ हेड, आपको हेडरूम के लिए काफ़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हेडरूम में स्पेस बहुत अच्छा रहता है। यहाँ एक ग्रैप हैंडल भी दी जाती है जो कि अच्छा खासा है, जैसा आप देख सक रहे हैं। और विंडो काफ़ी बड़ी है, जो भी यहाँ पे मीन्स आपका जो फैमिली बैठेगी उसको अच्छा खासा मीन्स बाहर का एक व्यू मिलते रहेगा। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी विंडो, लेकिन इसमें एक और सेफ्टी फीचर्स भी दिया है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस दी हुई है। अगर इनके आपका इसमें बहुत एक अच्छा कंपनी बहुत अच्छी चीज़ सोच के निकाली है कि अगर आपके पास ऐसा कोई जैसे चाइल्ड है, ठीक है, सपोज़ ये विंडो पूरी ओपन रहेगी, तो यहाँ पे कोई अगर आपका छोटा बच्चा है, ठीक है, तो आराम से चलते गाड़ी में मीन्स छलांग मार के कूद सकता है, गिर सकता है। इसके कारण कंपनी क्या करती है कि अगर कोई बच्चा भी इधर बैठती है तो सपोज़ देखिए ये गाड़ी पूरा लॉक है, इसका विंडो पूरा लॉक है, जैसे आप इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको जैसे ही आप खोलेंगे ये देखिए लॉक होगी, अब ये नीचे नहीं जाएगी। इसको फिर से पूरा ओपन करने के लिए आपको हल्का सा उठाना होगा, सीधा देखिए वापस है और फिर देन नीचे करना होता है, तब ये खुलेगी, ये सेफ्टी लॉक है। तो ये बहुत अच्छी है कि अगर कोई बच्चा भी इसमें पीछे बैठा हुआ है तो वो पूरा विंडो ग्लास नीचे नहीं कर पाएगा। और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग लैंप दी हुई है जो सेंटर में है, ये हेलोजन ही है, तो ये भी बहुत अच्छा दिया हुआ जैसे आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड में आप देख सकते हैं नॉर्मल सब कुछ वैसा ही है और स्टेयरिंग कुछ इस टाइप का है, स्टेयरिंग थोड़ा पहले वाले से कुछ अच्छा लग रहा है अभी का टाइम में। इसमें एयरबैग भी आती है फ्रेंड्स, तो आप जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, स्टेयरिंग व्हील का भी इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसमें एसी जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एसी का कुछ कंट्रोल्स वगैरह भी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी हीटर वगैरह का, और ये सारा वेंट्स भी दिया हुआ है। ये इसमें म्यूज़िक तो इसमें लग के नहीं आती, ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, तो ये तो आफ्टर मार्केट का एक्सेसरीज का पार्ट है, आप बाहर से कभी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स का स्पेस दिया है जो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है
और ये 1200cc का इंजन है जो अप्रोक्स 80 पीएस का पावर जनरेट करती है, तो और लगभग 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी जनरेट करती है। तो फ्रेंड्स, चाबी कुछ इस टाइप का आपको मिलते हैं। इसमें बेसिकली नॉर्मल सा वही वाला चाबी है जो पुराना सभी गाड़ियों में आती है। इसमें बस एक सेफ्टी फीचर्स के मामले में इंजन इमोबिलाइजर है जो आपके लगभग हर गाड़ी में मिलती है। इसमें ABS ब्रेक भी आती है, ABS विद EVD भी है, अच्छा फीचर्स है। और जैसे कुछ इस टाइप का आपका सेंटर कंसोल आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ नॉर्मल सा वही एनालॉग स्पीडोमीटर है, बट यहाँ फ्यूल के लिए जो है ये डिजिटल दे दिया है, फ्यूल और ट्रिप मीटर के लिए। बाकी कुछ यहाँ पे साइन आपको देखने को मिल जाता है। हेजार्ड लाइट का जो बटन है यहाँ पे प्रेस की हुई है। यहाँ पे आपका सारा इंडिकेटर का टर्न इंडिकेटर आपका चारों ऑन हो गया है, इसका इंडिकेटर आपको वहां मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल ये गाड़ी बहुत ही आराम है। बस यही है कि आपको इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलती है। बेसिक का है, इसमें सेंटर लॉकिंग चाबी वाला नहीं है। भले आप अलग से लगा सकते हैं, वो एसएसएस का पार्ट होगा, बट कंपनी ऐसा कुछ लगा के नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आगे बोनेट खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ इस टाइप का लीवर है, मैं प्रेस करता हूँ, आगे खुल गया। बोनेट खोलने के लिए सिंपल सा सेकंड सा लॉक यहाँ पे दी जाती है। जैसे आप देखे होंगे, यहाँ पे देखने से इंजन ही आपका गायब हो गया। फ्रेंड्स, बहुत लोग छक गए होंगे कि यहाँ पे इंजन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी इको में यहाँ पे इंजन प्लेस नहीं होती है। मैं आपको कहाँ पे होती है वो आपको दिखाऊंगा। आगे में सिर्फ इसका जो रेडिएटर है बस उसी वही प्लेस है, और यहाँ पे जो आपका वॉशर का जो टैंक है वो है, और ये कूलेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट है, और ये ब्रेक ऑयल का बस इसी का चीज़ का है, और यहाँ पे कुछ भी प्लेसमेंट नहीं की हुई है। इसके इंजन कहाँ पे प्लेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका इंजन इसके सीट के जस्ट नीचे है, जैसे कि आपने पहले वाले मारुति इको ओमनी में भी देखा होगा। तो इसका इसको इंजन को निकालने के लिए यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे लॉक दी हुई रहती है, ठीक है। तो ये लॉक को मैं जैसे प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। सेम इधर भी एक लॉक है। प्रेस करने के बाद इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे लीवर है, देखिए ये रिक्लाइन एंगल से सीट को नीचे कर लिए। अब ये सीट को ऐसे कंप्लीट उठा के ये पीछे कर दे, देखिए यहाँ पे इसका इंजन प्लेस है। सेम है उसी उस तरह भी लॉक है, इसको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बैटरी प्लेस है और ये इसका इंजन है। यहाँ इसके नीचे ही प्लेस है, लेकिन काफ़ी अच्छा इंसुलेशन की हुई है जिसके कारण आपको हीट बाहर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस टाइप का देखेंगे, बैटरी भी यहीं पे प्लेस है, इसका बैटरी भी, और ये कुछ फ्यूज़ बॉक्स वगैरह सब कुछ यहीं पे प्लेस है, ठीक है। और अगर आपको सर्विस भी कराना होगा, कभी भी इंजन ऑयल चेक वगैरह सब आपको यहीं से आपको दिख जाएगा। ये इसका गज है इंजन ऑयल लेवल का चेक करने के लिए, और इसी के अंदर फिल्टर वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस की हुई है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये रियर व्हील ड्राइव है, तो इसका जो पावर है वो पीछे की पहियों पे जाती है, जो आपको मैं पीछे दिखाऊंगा, जो अगेन डिफरेंशियल है, जो अगेन आपको ड्राइविंग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस देगा। जितनी भी रियर व्हील वाली जो भी गाड़ियाँ होती हैं उस पर पावर बहुत अच्छा मिलता है, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है फ्रंट वाले कार के मुकाबले में, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, इसके लिए इसमें पीछे के पहियों में पावर जाती है। ये जैसे आपने मारुति ओमनी को देखा, जस्ट आप उसको कह सकते हैं कि ये मारुति ओमनी का मीन्स बड़ा बहन है, या फिर बड़ी बहन है, या फिर बड़ा भाई है, जो भी कह सकते हैं आप, बस उसी को इन्हेंस करके दिया। उसमें बस यही होता था कि वो 800cc इंजन था, और इसमें 1200cc के इंजन का दिया गया, जिसमें पावर कुछ आपको ज़्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका बूट कुछ इस टाइप का है। बूट खोलने के लिए आपको अंदर से कोई लीवर दी नहीं जाती है, आपको बाहर से आकर के मैनुअली आपको खोलना ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लॉक है, आप एंटी क्लॉक घुमा करके आप गाड़ी को लॉक कर लिए हैं, और जैसे ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे गाड़ी अनलॉक हो गया। अब यहाँ पे कुछ बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे ये बूट आपको खुल गया। यहाँ पे दो हाइड्रोलिक आपको दिए जाते हैं जिसके कारण बूट आपको ओपन हो जाता है। ये कुछ बूट का स्पेस है। यहाँ पे आप जो सीट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे लग के नहीं आती है, एसेसरीज का ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ बेबीज वगैरह को आप बैठा सकते हैं, दो चार बेबी, एक्चुअली ये बेबी सीट है, तो यहाँ पे दो बेबी आराम से बैठ सकते हैं कोई भी। तो कुछ इसका बूट इस टाइप का मिलता है जो काफी ह्यूज बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप इसमें बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं, और आप हाइट भी देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर से काफी ऊंचा है, तो आपको सामान रखने निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर लूँ इसके टायरों की। तो बेसिकली आप जैसे यहाँ देख सकते हैं 155/830, ये 13 इंची की टायर दे जाती है, जो कि नॉर्मल रिम वाली टायर है, और ये बिना ट्यूब वाली है, मीन्स ये ट्यूबलेस टायर दी जाती है, जो कि अगेन अच्छा है। और इसका स्पेयर व्हील का आप मैं बता दूं आपको, स्पेयर व्हील भी जस्ट इसके नीचे ही प्लेस की हुई है, आप यहां से ओपन कर सकते हैं।
ये जो आप नट देख रहे हैं ये स्पेयर व्हील ओपन करने की स्पेयर व्हील को निकालने के लिए दी जाती है और इसका स्पेयर व्हील जस्ट इसके नीचे प्लेस की हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स स्पेयर व्हील को एक्सेस करने के लिए भी बहुत आसान है, आपको उतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ये गाड़ी मैंने आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था मैं इस गाड़ी की रिकॉर्डिंग आपको बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी किन लोगों के लिए है, जो लोग नॉर्मल रनिंग एक बिजनेस करते हैं मीन्स आप घर का या कोई भी नॉर्मल कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और उसका फैमिली भी है तो वो दोनों पर्पस जिसको यूज़ करना है गाड़ी को वो ये गाड़ी को ले सकते हैं कि मीन्स उसको फैमिली भी यूज़ हो सके और अपना जो बिजनेस है कुछ सामान आप इसमें कैरी करके सेल कर सकते हैं परचेस कर सकते हैं जो भी बिजनेस पर्पस के काम में भी आप इसको यूज़ करते हैं तो वो लोगों के लिए सबसे बेस्ट है परफेक्ट क्योंकि ये सबसे सस्ती 7 सीटर कार में उपलब्ध है जिसमें एसी भी आता है और आपको स्पेस का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और इसमें दोनों ऑप्शन आती है फ्रेंड्स, आप इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन ले सकते हैं और पेट्रोल का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका इसमें सारा डॉट क्लियर हो गया हो, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बेहचक ले सकते हैं, ये सबसे अफोर्डेबल गाड़ी भी है और इसका पार्ट्स भी इजी अवेलेबल है और मारुति सर्विस का मामले में तो आगे रहती है, भले ही आपका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा बहुत कमज़ोर दे सकती है बट इसका सर्विस बहुत ही अच्छा रहता है और पार्ट्स भी एक वैल्यू फॉर मनी भी है, कल आपका आप इसको एक्सचेंज में अगर आप इसको सेल भी करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा मीन्स अच्छा खासा रिसेल वैल्यू भी दिला सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूँगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।